अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर किसी को टिकटॉक ऐड अकाउंट अगर आप लोगों को एक्सेस देना है तो आप किस तरह एक्सेस दे सकते हैं, या आपको अगर क्लाइंट से एक्सेस लेना है, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप किस तरह क्लाइंट से एक्सेस वगैरह मांग सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप किस तरह क्लाइंट को या खुद किसी को एक्सेस दे सकते हैं। तो मैं ये चीज सारी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो चलिए मैंने लैपटॉप स्क्रीन पर। अच्छा, ऐड अकाउंट का एक्सेस लेने के लिए अगर आपको क्लाइंट के ऐड अकाउंट के लिए एक्सेस चाहिए तो आप उससे पहले आपके पास बिजनेस टिकटॉक बिजनेस सेंटर होना चाहिए या बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। तो आप वो किस तरह क्रिएट करेंगे, वो इस तरह क्रिएट करेंगे कि आप business.tiktok.com पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे साइन अप करेंगे और इसमें आप पाकिस्तानी ऐप के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब VPN आपको यूज़ करना हो या VPS यूज़ करना हो, आप नॉर्मली पाकिस्तानी ऐप के थ्रू भी बिजनेस सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वही ईमेल आप क्लाइंट को देंगे, ठीक है, आप क्लाइंट को देंगे ये मेरी ईमेल है। वह क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको नहीं पता कि किस तरह इन्वाइट देना है तो आपको उसको किस तरह गाइड करना है, या आपका या फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अपना स्टोर है या अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट है, अगर आप फॉरन इंटरनेशनल मार्केट पर कर रहे हैं या पाकिस्तान में रन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वाइट मेम्बर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी ई मेल एड्रेस है, लेट्स से मैंने ई मेल एड्रेस लिखी, ठीक है, email.com, और यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी चूज़ कर सकते हैं, एडमिन भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप जाहिर सी बात है अगर आप स्टैंडर्ड देंगे तो उनके पास सिर्फ मतलब जो ऐड अकाउंट है, जो जाहिर सी बात है रिक्वायर्ड है उनके लिए, तो उसी का एक्सेस जाएगा। जबकि अगर एडमिन देंगे तो डेफिनेटली जो भी पूरा फुल एक्सेस उनके पास आ जाएगा कि बिजनेस इन्फो वगैरह सब कुछ उनके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो ऐड अकाउंट का आप एक्सेस दे सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्या सिनेरियो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप जब एडवर्टाइजर अकाउंट पर गए तो यहाँ पे ऐड अकाउंट ही नहीं है, हालांकि क्लाइंट ने वो ऐड अकाउंट वो क्रिएट कर चुके हैं, बट यहाँ पे वो उसने ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो वो आप किस तरह कर सकेंगे। अच्छा, कभी कभार इस तरह का इशू आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लाइंट का ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, बट जब एडवर्टाइजर अकाउंट पर जाते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आता है। तो बिल्कुल नहीं घबराएगा, क्योंकि इस तरह का होता है इशू कि आप लोगों को खुद ऐड अकाउंट क्रिएट मतलब आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, रादर देन कि आप मतलब जिस तरह फेसबुक पर करते हैं कि बिजनेस मैनेजर के थ्रू क्रिएट अकाउंट करते हैं और बना देते हैं, यहाँ पे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपको आ रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराएगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर पर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एडमिन पर क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप फॉर एग्जाम्पल उनको जाहिर सी बात है उनके ऐड अकाउंट उनका जो ऐड अकाउंट होगा वो अलग से क्रिएट हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐड करना है बिजनेस सेंटर पर। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई अकाउंट है तो आप या जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आईडी आ रहा है, समझ रहे, एक ऐड अकाउंट है ये आपको ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करेंगे, इस ऐड अकाउंट आईडी को कॉपी करेंगे, बिजनेस सेंटर पर जाएंगे और यहाँ पे आप नंबर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जिस तरह आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, और जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं अगर इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।